नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज मैं उसको बताना चाहता हूँ कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का संविधान है, उसी संविधान के दायरे में अमित शाह, नरेंद्र मोदी जेल के सलाखे में ले जाए। नागरिकता संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पास होते ही पूरा देश जल उठा है। एनआरसी और कैब के विरोध में देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। कहीं कहीं ये आंदोलन हिंसक होने की सूचनाएं भी मिल रही है। वहीं यदि बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहां भी लगातार उक्त विवादित बिल को लेकर काफी आंदोलन हो रहे हैं। कोलकाता के कुछ शहरों में आंदोलनकारी हिंसक रूप भी धारण किए हैं। हालांकि राज्य की मुखिया ममता बनर्जी आंदोलनकारियों से आग्रह किया है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन को अंजाम दे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में आसनसोल शिल्पांचल में भी कई जगहों पे एनआरसी और कैब के विरोध में जुलूस निकाले गए। न्यामतपुर, बराकर, सलानपुर और पुरुलिया जिले के नितुड़िया में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा भी बिल के विरोध में शांतिपूर्ण रैली निकाली गई। आंदोलनकारियों का आरोप है कि यह बिल संविधान विरोधी है और धर्म के आधार पर देश की नागरिकता देना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है। इसलिए भारत सरकार ने जो बिल पास किया है वो गैर संवैधानिक है। लगभग 12 लाख हिंदू और 6 लाख मुस्लिम रही दोस्तों, जहाँ इंसानियत की सवाल है, जहाँ धर्म निरपेक्ष की सवाल है, हम सब भारतीय है, हम सब का एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई। हमारी ब्लॉक में एनआरसी और तो खास करके इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुस्लिम को टारगेट किया, इसके बारे में क्या बोलते हैं? देश को बंटवारा करने के लिए, धर्म का विभाजन करने के लिए सांप्रदायिक शक्ति बीजेपी है। यह हरदम कोशिश करेगा, आज बोल कर रही, यह हरदम कोशिश करेगा। हम लोग दल का तरफ से, टीएमसी का तरफ से, हम लोग को जो भी नेत्री है ममता जी, विरोध में इसको जितना लड़ाई आंदोलन करना पड़ेगा, पूरा देश भर कर रहे हैं, पूरा देश में बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, जितना विरोधी नेता लोग हैं उन लोगों के पास जाके इन्होंने बोल रहा है, ये सब मानना हम लोग को ठीक नहीं होगा, ये देश के लिए खराब है, तो हम लोग भी मानेंगे नहीं। लेकिन आने वाला समय में इसका जो रिजल्ट होगा सर, जिस तरह से बार बार माइनॉरिटी, खास करके माइनॉरिटी आने पर हम लोग का दल चाहता है कि मनुष्य समाज एक होकर रहे, जिसमें धर्म अपना अपना जाएगा में, लेकिन जब मनुष्य समाज का बात आ रहा था तो हम लोग सब मिलजुल के समाज का तरक्की कैसे होगा उसका बारे में हम सोचते हैं, या कोई धर्म हम लोग चले गए हिंदू नाम सोचते, तो आज ये लोग बोल तो रहा बहुत कुछ ही लोग, एन आर सी का नंबर यहाँ पर क्या हुआ आसाम में 13 लाख हिंदू को बात दे दिया ना, जैसे मुस्लिम से बात किया हिंदू को उससे ज़्यादा बात चला गया, इसका मतलब क्या है? ये लोग लड़ाई झगड़ा लगाने के लिए, दंगा फसल लगाने के लिए ये सब कर रहा है और ये हम लोग मानेंगे। अच्छा, आगे अगर इसका आने वाला समय में अगर ये एनआरसी को इसको हम लोग पश्चिम बंगाल में लागू होने ही नहीं देंगे। हमारे ये प्रोग्राम এটা হচ্ছে এনআরসির বিরুদ্ধে, যেটা ক্যাপ করেছে মোদি সরকার ওর বিরুদ্ধে। এনআরসি আমরা মানছি না, আমরা মানবো না, এনআরসির বিরুদ্ধে যত দূর যেতে হয় আমরা যাব। আমরা এখানকার জনতা হিন্দু মুসলমান শিখ ইসাই আমরা সব একসাথে আজ মানে বিগত মানে বছরের পর বছর পরম্পরার পর পরম্পরা এখানে বাস করছি। আজ যদি মোদি সরকার বলে
রাজ্য ওকে বাধ্য দাও একে বাধ্য দাও আমরা মানছি না, তাতে যদি আমাদের জীবনে রক্ত যেতে হয় আমরা রক্ত দেব, কিন্তু এনআরসি ক্যাপ মানছি না, মানব না। देखिए आज नियामतपुर में जो ये रैली निकाला गया है एहतजाजी रैली, और ये सिर्फ नियामतपुर में नहीं, आसनसोल में नहीं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है, पूरा मुल्क में एहतजाज हो रहा है। एहतजाज मकसद जो 9 तारीख को काला बिल पास किया गया है, शहरिया तरमीमी बिल या आप क्या बोलिए, हाँ, इसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा है। और ये सिर्फ मुसलमान ही एहतजाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि तमाम हिंदुस्तानी एहतजाज कर रहे हैं इस बिल के खिलाफ, क्योंकि ये बिल जो लाया गया है, और अमित शाह ने जो कहा था संसद में कि ये बिल तमाम लोगों को, जिन लोग शरणार्थी हैं उन लोगों को सहरियत दी जाएगी, और उसमें हिंदू मुस्लिम का नहीं, बल्कि हिंदू सिख ईसाई बुद्धिस्ट सभी का नाम लिया गया, सिर्फ एक मजहब को बात दिया गया, वो मुसलमान को बात दिया गया। ये संविधान के खिलाफ है। अगर संविधान का मुल्क का संविधान खत्म हो रहा है तो पूरा मुल्क खत्म हो जाएगा, ये देश खत्म हो जाएगा। अगर संविधान खत्म हो गया तो मुल्क में कुछ बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि इस देश में हमारे मुसलमानों को बाहर किया जा रहा है या कैब के अंदर नहीं लाया जाएगा। ये मोदी शाह ने कहा है, मोदी या शाह अमित शाह जो है ये देश के हुक्मरान जरूर हैं, आज उनकी हुकूमत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहेंगे वही होगा। इस मुल्क में हमारे दादा परदादा ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, जान दी है, शहीद हुए हैं, उसके बाद आज हिंदुस्तान आजाद हुआ है, और आजादी जो मिली है। वो तो ठीक है, आपको टीएमसी करते हो, जब कैब पास हो रहा था तो उस वक्त टीएमसी के जो एमपी थे उन्होंने एब्सेंट किया वोटिंग के वक्त, उसके बारे क्या? देखिए, सभी किसी का कोई ना कोई तो परेशानी होगा ही, लेकिन इस बिल का हमेशा मुखालफत किया है, और तृणमूल ममता बनर्जी जो मगरीब बंगाल की वजीर आला है वो मुखालफत कर रही है, और हमेशा बोली है और आज भी बोल रही है कि इस बिल के हम खिलाफ हैं, और हमारा मगरीब बंगाल में ये बिल लागू होने नहीं देंगे। जो भी मगरीब बंगाल के बाशिंदा है वो इत्मीनान रखे, कैब भी नहीं होगा और एनआरसी भी नहीं लाया जाएगा। राज्यसभा में पास हो गया है, लोकसभा में पास हो गया, अब ये देखिए सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा में पास हो गया है, ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं, लोकसभा में ये बिल पास हुआ है, राज्यसभा में भी ये बिल पास हुआ है, तो आप जानते हैं कि बीजेपी हुकूमत में है, अक्सरियत में है और मेजोरिटी में है, वो जो बिल चाहेगी पास कर लेगी। आपने देखा कि बहुत सारे संसद जो थे उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन एहतजाज के बावजूद ये बिल पास हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इस बिल को मान लेंगे। पूरा हिंदुस्तानी नहीं मान रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं मान रहे हैं, हमारे दादा परदादा यहाँ पर ख़त्म हुए हैं, और इस बिल को नहीं मानेंगे हम लोग, जरूरत पड़ा तो अपनी जान दे देंगे, शहीद हो जाएंगे हमारे बुजुर्ग जितने भी इस देश के लिए शहीद हुए हैं, और देश में जो लोगों का खून है, जो आजादी के खिलाफ है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अगर मुल्क के लिए जान देनी पड़ी तो हम लोग, ये हमारे लड़ाई जारी रहेगी और हद तक का जारी रहेगी, आखिर दम तक का हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। लड़ते रहना है, कैब या एनआरसी बीजेपी वापस नहीं लेती है, उस वक्त तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो तरमीम बिल पर हम लोग नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान का कानून का ये धज्जे उड़ा, और धज्जे हम लोग बर्दाश्त करेंगे। ये हिंदुस्तान को आजाद करने में हम लोग समझते हैं, मेरा बाप दादा जो कुर्बानी दिया है, मेरा गांव में एक स्टेशन है, मेरा दादा वहाँ जाकर के रेल को उजाड़ा था और अंग्रेज को भगाया था, और उसका हम औलाद है, और हमसे प्रूफ खोजता है, उस खुद प्रूफ देते, कभी इस बात को हम नहीं रोकेंगे, और ये मेरा एहतजाज चालू रहेगा जब तक काला कानून नहीं हटाएगा, तब तक हम चाहिए जब तक ये कानून काला नहीं हटाएगा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, हम पूरे बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का, हम कुर्बानी होने के लिए तैयार है, आज तक हम नहीं लौट पर उतरे थे, मगर मजबूर करते उतरने के लिए आज हम तैयार हैं, आज हमको कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग आज यहाँ नेमतपुर सुतरापुर डीएसपी अक्षर बगान तमाम लोगों को लेकर के मरकज की हुकूमत ने जो एनआरसी और सीएबी बिल लाया है उसके खिलाफ में आज हम लोग एहतजाजी खामोश जुलूस निकाले। क्या लगता है इस बिल में क्या है मुसलमानों के खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ में ही ये बिल है। हम लोगों का ये मांग है कि आप किसी भी घुसपैठियों को जो सरहद के अंदर आए उसको निकालिए, मगर किसी शर्त पर नहीं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, आपको निकालना है सबको निकालिए, और रखना है तो फिर सबको रखिए। अगर ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है तो हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा में 14 से 15 एमपी ने, जो मुसलमान एमपी थे, उन्होंने इस बिल का सपोर्ट किया, उसके लिए क्या कहोगे?
ये बड़ी शर्म की बात है कि 14 राज्यसभा के एमपी जिनमें हमारे बहुत पढ़ी लिखी सांसद रही हैं, यहाँ तृणमूल की भी सांसद हैं सरदार अहमद साहबा, उन लोग भी इस बिल के खिलाफ में पुरजोर मुखालफत नहीं कर पाए और अपना वोट को बायकॉट के जरिए उनका सपोर्ट मिल गया। हमारा नाम जावेद हुसैन अंसारी। हम लोग देखें आज आप लोगों ने एहतजाज किया, ये बिल राज्यसभा में पास हो गया है, आपका लोकसभा में पास हो गया, अगर आपकी मांग को नहीं मांगी गई इसके बाद क्या स्टेप होगा आप लोग का? देखिए आज पूरे हिंदुस्तान स्तर पर जिस तरीके से पूरा माइनॉरिटी कम्युनिटी मिलकर इस तरीके का आप लोग पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, अगर हम लोग इस नियामतपुर अंचल में एक शांति के तरह जिस तरीके से किसी तरीके का वायलेंस ना हो उस तरह से हम लोग आज एक तो अपना प्रोटेस्ट के जरिए हम लोग अपना आवाज़ को बुलंद किए और आने वाला कल का दिन में भी हम लोग किसी तरह से अगर हम लोग का ये जो एनआरसी और सीएबी जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में एक काला दिन के तहत हम लोग आज का दिन हम लोग मना रहे हैं, आने वाला दिन में भी इसी तरह से हम लोग इसका पुरजोर इसका विरोधता करेंगे। विषय की এই যে আজকে বিষয়টা এনআরসির বিরুদ্ধে এবং সিএবির বিরুদ্ধে, যেভাবে সারা ভারতবর্ষের বিজেপির বিরুদ্ধে এনআরসির বিরুদ্ধে সব জায়গায় মিছিল বেরোচ্ছে, সেভাবে পশ্চিমবাংলাতে আজকে আমাদের প্রত্যেক ব্লকে আমাদের জেলা নির্দেশে এই যে বিভিন্ন জায়গাতে যেমন হাওড়া উলুবাড়িয়া যে ট্রেনে আগুন ধরানো বাসে আগুন ধরানো, এটা কি আপনারা সমর্থন করবেন? এইগুলোকে আমরা সমর্থন করছি না, এইগুলো কিছু বাইরে থেকে লোক এসে উৎসানমূলক কাজ করছে এবং যারা কিছু দল আছে যারা আমাদের পার্টিকে বদনাম করার জন্য এই সব কাজ করাচ্ছে, আমরা এর ঘোর বিরোধিতা করছি। চিত্তরঞ্জনের বুকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আমাদেরকে ডাক দিয়েছেন যে এনআরসি এবং সিএবির যে বিল ভারতবর্ষের বুকে যে বিজেপি সরকার এনেছেন তারই বিরুদ্ধে আপনারা আজকে আমরা একসাথে সামিল হয়েছিলাম। আমরা এনআরসি এবং সিএবির যে বিল ভারতবর্ষের বুকে বিজেপি সরকার এনেছেন তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা শুধু এই এনআরসি বিল শুধু মুসলিম বিরোধী নয়, এটা আপনারা দেখেছেন আসামে 19 লক্ষ যে মানুষ তার মধ্যে এনআরসি তালিকায় চলেছেন তার মধ্যে 17 লক্ষ মানুষ হিন্দু, তাই আমরা আজকে সকল শ্রেণীর মানুষ হিন্দু মুসলিম একত্রিত হয়ে আমরা এনআরসি এবং সিএবির যে বিল তার বিরুদ্ধে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে জানিয়ে চাই। আমরা সাধারণ শ্রেণীর মানুষ, আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবো, আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো এবং এনআরসি এবং সিএবির বিল আমরা ভারতবর্ষের বুকে খুঁজে দেবো না। তাই আজকে আমরা চিত্তরঞ্জনের বুকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য আজকে আমরা এই পথে নেমেছিলাম, এনআরসি এবং সিএবির বিল আমরা মানছি না, মানবো না। আজকে আমাদের জেলার নির্দেশে এবং মাননীয় বিধায়কের বিধানসভার নির্দেশে আজকে আমাদের এই বিক্ষোভ মিছিল এনআরসি এবং সিএবির বিরুদ্ধে আজকে ডেটে পশ্চিমবাংলায় প্রত্যেক ব্লকে ব্লকে, কিন্তু এটা রাজ্যের নির্দেশ, প্রত্যেক ব্লকে ব্লকে আজকে আমাদের এনআরসির বিরুদ্ধে মিছিল বেরোচ্ছে। চারিদিকে দাদা যে অশান্তি চলছে সেটা নিয়ে আপনার কি সমর্থন? এই অশান্তিতে আমাদের কোনো সমর্থন নেই, আমরা এই ডেড এগেনস্টে আছি, আমাদের আন্দোলন আমাদের প্রতিবাদ আমাদের মিছিল টোটালি শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে, শান্তিপূর্ণভাবে যেটা আমাদের নীতি, যেটা গান্ধীজির আদর্শ, যেটা আমাদের দলের টিএমসি আদর্শ, আমরা যে কোনো জিনিসের উপরে যে কোনো যে জিনিস মানুষের বিরুদ্ধে দেশের বিরুদ্ধে সমাজের বিরুদ্ধে আমরা সেগুলোর বিরুদ্ধে টোটালি শান্তিভাবে আমরা মিছিল মিটিং করব। কোনো শান্তি আমাদের সরকার আমাদের নেত্রী বরদাস্ত করবে না। আপনাদের কত মিছিলটা কত দূর করা হবে আজকে মিছিলটা? আজকে আমাদের রূপনয়ন করে পার্টি ও সভাপতিকে নিয়ে একবারে দাওয়া মোড় ক্রস করে বিজয় সুস্থিতি ভাবতে আমরা মিছিল নিয়ে গেলাম, সেখান থেকে আবার ঘুরে আমরা পার্টি নিয়ে এসেছি। আমাদের একটাই বার্তা আমরা দিতে চাই আম জনতার কাছে যে আপনাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই, আমাদের সরকার আমাদের নেত্রী বলে দিয়েছেন যে আমরা এনআরসিকে মানছি,